वेलकम टू आरएक्स फार्मा चैट। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं वेजाइनल इन्फेक्शन आफ्टर सेक्स। अक्सर दोस्तों आपने देखा होगा कि लेडीज को सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद वेजाइनल इन्फेक्शन उनको हो जाता है, तो ये क्यों होता है और इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। ये जो प्रॉब्लम है ये 40 से 50% लेडीज में पाई जाती है, लेकिन 25% लेडीज ऐसी होती हैं जो अपनी शाई नेचर की वजह से ना तो सिर्फ अपने पार्टनर से बल्कि किसी और से भी अपनी ये प्रॉब्लम शेयर नहीं करती हैं और लेटर उनको अपनी लाइफ बड़े जोखिम उठाने पड़ते हैं, बड़ी समस्या का, बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। यदि आप सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम थोड़ी भी लापरवाही बरतते हैं तो उस टाइम आपको वेजाइनल इन्फेक्शन होने का डर रहता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स को वेजाइनल इन्फेक्शन का मेन कॉजेज बताया गया है, मेन कॉजेज माना गया है। सेक्स के ड्यूरिंग या सेक्स के बाद इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं वेजाइना में और वहां पे रेगुलर उनको ईचिंग या बर्निंग सेंसेशन का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा देखा गया है कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होते हैं ये मेल और फीमेल दोनों में बहुत फास्टली स्प्रेड होते हैं, बहुत जल्दी फैलते हैं। इसलिए लेडीज और जेंट्स को ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किन वजह से ये हमारे जो इन्फेक्शन है वो फैलते हैं और ये इन्फेक्शन कौन कौन से होते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले बैक्टीरियल वेजिनोसिस। बैक्टीरियल वेजिनोसिस एक वेजाइनल इन्फेक्शन होता है। ये बहुत कॉमन इन्फेक्शन होता है जो लेडीज में आफ्टर सेक्स पाया गया है। 15 एज से 44 एज के बीच में बैक्टीरियल वेजिनोसिस की जो प्रॉब्लम होती है ये ज़्यादा देखी गई है, क्योंकि इस एज में उनके पीरियड्स चलते हैं, उनमें प्रजनन शक्ति ज़्यादा होती है, वो अपने बच्चों को इस एज में जन्म देती हैं, मतलब कि मेनोपॉज से पहले और पीरियड्स होने के बाद उनको 15 से 44 की एज में कभी भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। पीरियड वेजिनोसिस का जो इन्फेक्शन है ये आफ्टर सेक्स लेडीज में ज़्यादा पाया गया। कई केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि जो लेडीज कभी अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट हुए ही नहीं, जिन्होंने कभी सेक्स किया ही नहीं, उनको भी बैक्टीरियल वेजिनोसिस की प्रॉब्लम बहुत रेयर केस में देखी गई है। बैक्टीरियल वेजिनोसिस एक ऐसा वेजाइनल इन्फेक्शन है जिससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो इन्फेक्शन होते हैं उनके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इससे पेल्विक पार्ट की स्वेलिंग हो जाती है। पेल्विक पार्ट में जब स्वेलिंग होती है तो उसको PID प्रॉब्लम कहते हैं। ये एक रोग, एक डिजीज होता है जिसमें लेडीज के रिप्रोडक्शन सिस्टम जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, उसके पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स? जैसे यूट्रस हो गया, फिलोपियन ट्यूब्स हो गया, ओवरीज हो गया एंड पेल्विक का इनर पार्ट हो गया, जो हमारा पेडू होता है उसका इनर पार्ट हो गया। तो ये सारे पार्ट्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा वेजाइना का जो वल्वा पार्ट होता है, बाहरी पार्ट होता है, उसमें इचिंग होना, मतलब कि खारिश होना, सूजन होना या फिर लालिमा आना, रेडनेस होना या फिर लगातार यहाँ पे एक गाढ़ा ग्रे कलर का डिस्चार्ज यहाँ पे वेजाइना के रास्ते से होने लग जाता है। अगर बैक्टीरियल वेजिनोसिस का ट्रीटमेंट आप नहीं करवाते हैं अपने पार्टनर से या किसी और से भी इसके बारे में बात नहीं करते हैं, तो इसकी ट्रीटमेंट अगर टाइम पे ना हो तो ये प्रॉब्लम बढ़ती ही जाती है और प्रॉब्लम जब बढ़ जाती है तो आपको एक स्टेज पे इनफर्टिलिटी, मतलब कि बांझपन का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए अब हम देखते हैं बैक्टीरियल वेजिनोसिस के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। बैक्टीरियल वेजिनोसिस के सिम्टम वेजाइना में, वेजाइनल पार्ट में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे सबसे पहले इचिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि वेजाइना में इचिंग आपको लगातार यहाँ पे फील होती है और इचिंग की वजह से आपको यहाँ पे बर्निंग सेंसेशन ज़्यादा होती है और यूरिनेशन की कंडीशन में भी आपको पेशाब, आपको जलन के साथ आता है, एक बर्निंग सेंसेशन वहाँ पे आपको फील होती है और एक ग्रे कलर का थिक डिस्चार्ज, जैसे मैंने आपको बताया, रेगुलर आपके वेजाइना से यहाँ पे हो सकता है। रेडनेस रह सकती है, रेडनेस स्पेशली आपको जब इचिंग आप करते हैं उसके बाद रेडनेस और स्वेलिंग आपको देखने को मिलती है, लेकिन स्वेलिंग यहाँ पे रेगुलर चलती है। बर्निंग सेंसेशन और रेडनेस आपको ज़्यादा देखने को उस कंडीशन में मिलती है जब आप बहुत ज़्यादा इचिंग अपने वेजाइनल पार्ट में करते हैं, उसके बाद ये बर्निंग सेंसेशन की प्रॉब्लम जरा ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप जैसे भी वहाँ पे आप वॉश करते हैं किसी पानी के साथ, तब वो पानी भी और यूरिनेशन की कंडीशन में भी यूरिन आपको लग लग के यहाँ पे आने लग जाता है। जितने भी बताए हुए सिम्टम्स हैं, अगर इसमें से एक भी सिम्टम्स आपको दिखता है तो ये नॉर्मल कंडीशन हो सकती है, नॉर्मल प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आपको 2 या 3 सिम्टम्स साथ में दिख रहे हैं, साथ में लक्षण दिख रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपको किसी अच्छे गायनोकोलॉजिस्ट से या फिर अपने डॉक्टर से तुरंत बात करनी चाहिए, तुरंत अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताना चाहिए और इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए मेनली डॉक्टर्स आपको एंटीबायोटिक्स सजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट इन्फेक्शन जो आफ्टर सेक्स औरतों में देखा गया है वो है वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन। वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन जो होता है, इसमें
वेजाइनल पार्ट में यीस्ट या फंगस की ग्रोथ हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे रेडनेस की, ईचिंग की या स्वेलिंग की या एक दुर्गंध सी आनी शुरू हो जाती है, जिससे ये इन्फेक्शन बढ़ता ही जाता है। स्पेशली ये इन्फेक्शन उस कंडीशन में बढ़ता है जब आप रेगुलर यहाँ पे ईचिंग करते हैं। लेकिन ये ईचिंग करना आपसे स्टॉप नहीं होता है, क्योंकि ये इतनी बैड कंडीशन हो जाती है कि आप मजबूरन यहाँ पे ईचिंग आपको करनी ही पड़ती है। और जब आप यूरिनेशन करते हैं, पेशाब करते हैं, तब भी आपको एक जलन फील होने लग जाती है। वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन की जो वीडियो है मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड की है, इसके कुछ होम रेमेडीज में मैं आपको प्रोवाइड किए हुए हैं कि किस तरीके से इसको ट्रीट किया जा सकता है। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन की वीडियो का लिंक दिया है, लिंक के ऊपर क्लिक करके आप फुल वीडियो जरूर देखिए और कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप इसके बारे में लीजिए। अक्सर लेडीज में वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन का जो प्रॉब्लम है अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद पाया गया है, लेकिन छोटी एज से लेकर बड़ी एज के लेडीज में ये जो प्रॉब्लम है ये नॉर्मली भी देखी गई है। क्यों? क्योंकि खास इसका कारण ये है, खास इसका जो कोज है वो ये देखा गया है कि रेगुलर आप अपने वेजाइना की सफाई यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। जब आप रेगुलर अपने वेजाइना की सफाई यहाँ पे नहीं कर रहे हैं तो एक फंगस या एक यीस्ट बैक्टीरियल ग्रोथ वहाँ पे हो जाती है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे सिम्टम्स का सामना यहाँ पे करना पड़ सकता है। वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन के मेन कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले है प्रेगनेंसी। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन आपको हो सकता है इजीली, क्योंकि बॉडी में बहुत सारे हॉर्मोन्स चेंज होते हैं प्रेगनेंसी की कंडीशन में, और उन हॉर्मोन्स के चेंज होने पे आपको वाई डिस्चार्ज भी हो सकता है, आपको वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है, और भी कई जैसे पेशाब लग के आना या यूटीआई की प्रॉब्लम भी उस कंडीशन में आपको हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास हाई ब्लड शुगर, कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उस कंडीशन में भी वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन आपको इन्फेक्टेड कर सकता है। पीरियड्स, अगर आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रहा है, पीरियड चल रहे हैं, उस कंडीशन में आप सफाई का ध्यान नहीं रख रहे हैं, रेगुलर 5-6 घंटे के बाद अपना पैड चेंज नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट है ब्रेस्ट फीडिंग, अगर आप ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं अपने बच्चे को, तो उस कंडीशन में भी बहुत सारे हॉर्मोन्स आपकी बॉडी में चेंज होते हैं और आपको वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन ईजिली हो जाता है। नेक्स्ट है अच्छे तरीके से अपने वेजाइना पार्ट की, अपने वल्वा पार्ट की सफाई ना करना। अगर रेगुलर अगर आप अपने वेजाइना की, अगर आप अपने वल्वा पार्ट की सफाई नहीं करते हैं तो आपको वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन ईजिली इन्फेक्ट कर सकता है। तो वेजाइना की अच्छे तरीके से सफाई के बारे में भी मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड करी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से आप वीडियो को जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से वेजाइना की सफाई करनी चाहिए। नेक्स्ट है बर्थ कंट्रोल, अगर आप रेगुलर यहाँ पे बर्थ कंट्रोल पिल्स का यूज कर रहे हैं तो बर्थ कंट्रोल पिल्स की वजह से भी आपको वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी लेडीज में ये जो बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं ये सूट नहीं करती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वेट एंड टाइट इनर वियर्स, अगर आप वेट या टाइट इनर्स पहन रहे हैं, पैंटी का यूज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि जो वेट कंडीशन होती है जब आप गीली इनर्स पहनना वहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं तो बैक्टीरिया की ग्रोथ वहाँ पे, यीस्ट की या फंगस की ग्रोथ बहुत जल्दी गीलेपन में हो जाती है। और टाइट कंडीशन में क्या होता है, जब टाइट पैंटी या टाइट कॉटन्स के कपड़े आप यहाँ पे पहन रहे हैं तो उस कंडीशन में आपके वेजाइनल पार्ट में या आपके वल्वा पार्ट में हवा नहीं लग रही है बिल्कुल भी बाहरी, और आपको वहाँ पे स्वेटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। जब आपको वहाँ बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो पसीने की कंडीशन में बैक्टीरिया की ग्रोथ, यीस्ट या फंगस जैसे बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिस कंडीशन में आपको वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है अगर आप एंटीबायोटिक्स का या कॉर्टिकोस्टेरॉइड बहुत ज़्यादा आपने यूज़ किया है तो उस कंडीशन में भी वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन साइड इफेक्ट के तौर पर हो सकते हैं। इंटीमेट वॉश, अगर आप मार्केट से बने हुए इंटीमेट वॉश का यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटीमेट वॉश होते हैं मार्केट के बने हुए, कि जब आप उनका यूज़ करते हैं तो आपके वेजाइना का जो पीएच होता है वो चेंज होता है, तो वेजाइना का पीएच चेंज होने पर आपको वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन ईजिली हो सकता है। नेक्स्ट है परफ्यूम्स, अगर आप खुशबूदार परफ्यूम्स का यहाँ पे रेगुलर अपने वेजाइना के बाहरी पार्ट पे यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेंटर्ड चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए ध्यान रखिए कि आप बाहर की कोई भी चीज़ अपने प्राइवेट पार्ट्स पे यूज़ ना कीजिए, घर के बने हुए ही आप इंटीमेट वॉश यूज़ कर सकते हैं, और अगर हो सके, पॉसिबल हो सके तो आप सिर्फ नॉर्मल सा ल्यूक वॉर्म वाटर का ही यूज़ कीजिए अपने वेजाइनल पार्ट को, अपने वल्वा पार्ट को साफ करने के लिए। तो इसकी सफाई के बारे में जो मैंने वीडियो देखी है उसको भी आप ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत फ़ायदा आपको उससे मिलने वाला है। ओरल सेक्स से भी आपको वेजाइना का इन्फेक्शन हो सकता है, इस कंडीशन में जो आपका पार्टनर के माउथ में बहुत सारे बैक्टीरियाज अगर प्रेजेंट हो उस टाइम, तो वो आपके वेजाइना में ट्रांसफ़र कर जाते हैं और इसकी वजह से वहाँ पे फंगस या यीस्ट की ग्रोथ हो सकती है, जिसकी वजह से वेजाइनल इन्फेक्शन वहाँ पे हो सकता है।
75% लेडीज ऐसी देखी गई हैं जिनमें कभी ना कभी ये जो वेजाइनल इन्फेक्शन होता है ये हुआ ही है, लेकिन उसमें से 40 से 45% लेडीज ऐसी भी देखी गई हैं जिनको बार बार वेजाइनल इन्फेक्शन होता है, चाहे वो सेक्स के बाद हो रहा है चाहे नॉर्मल उनको कंडीशन किसी भी कंडीशन में हो रहा है, तो ये इन्फेक्शन नॉर्मली लेडी में देखे गए हैं। लेकिन 25% लेडीज, मैंने आपको जैसे बताया कि शाई नेचर की वजह से वो किसी से बात नहीं करते हैं, तो आपको इन कंडीशन के बारे में आपको बात करनी चाहिए, क्योंकि छुपाने वाली बात नहीं है। अगर आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के बारे में अपने पार्टनर को या किसी और को बताएंगे, किसी डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, तो आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और लेटर जो आपको बड़ी बड़ी समस्याओं का बड़े बड़े जोखिम उठाने पड़ सकते हैं उससे आप बच जाएंगे। अब बात करते हैं कि वेजाइनल इन्फेक्शन के और कॉजेज कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहला, जैसे हाई ब्लड शुगर, मैंने आपको बताया हाई ब्लड शुगर या हाई बीपी आपको रह रहा है तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होता है, तो उस कंडीशन में आपको वेजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आप गीले या टाइट कपड़े यहाँ पे पहन रहे हैं, जैसे टाइट जीन्स पहने या टाइट स्कर्ट पहने, तो उससे पहले आपको यहाँ पे कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गीले या टाइट कपड़े पहनने से भी बैक्टीरिया की ग्रोथ आपके प्राइवेट पार्ट में बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे वेजाइनल इन्फेक्शन आपको हो सकता है। अच्छे तरीके से रेगुलर अगर आप अपनी वेजाइनल पार्ट की, वल्वा पार्ट की सफाई नहीं कर रहे हैं तो भी आपको वेजाइनल इन्फेक्शन का सामना यहाँ पे करना पड़ सकता है। पीरियड्स के दौरान अगर आप सफाई का ध्यान नहीं रख रहे हैं, रेगुलर अपने पैड्स को चेंज नहीं कर रहे हैं टाइम टू टाइम, तब भी आपको वेजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग या प्रेगनेंसी के टाइम भी आपको वेजाइनल इन्फेक्शन नॉर्मली हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं किस तरीके से हम अपने आप को वेजाइनल इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। सबसे पहले अपने वेजाइना की रेगुलर सफाई कीजिए। रेगुलर सफाई करने के लिए आप नॉर्मल ल्यूक वॉर्म वाटर का ही यूज़ कीजिए, किसी इंटीमेट वॉश का या किसी साबुन का या किसी और प्रोडक्ट का यूज़ ना करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। जब भी आप वजाइनल पार्ट की सफाई करते हैं उसके बाद उसको ड्राई करने के बाद ही आप कपड़े पहने। अगर बहुत ज़्यादा टाइट जीन्स या आपको टाइट स्कर्ट पहनी है तो नीचे आप इनर जो है वो कॉटन के पहनिए, कॉटन के इनर पहनने के बाद ही इन चीज़ों को पहनिए, क्योंकि कॉटन के कपड़े पहनने पे आपको यहाँ पे ठंडक सी रहती है, जिससे आपके वजाइना में कोई भी इन्फेक्शन होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। सेक्स करने की ड्यूरिंग कॉन्डोम का यूज़ कीजिए। कई कंडीशन में देखा गया है कि जब आप कॉन्डोम का यूज़ करते हैं अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करने के टाइम, तब भी आपको वेजाइनल इन्फेक्शन का सामना करना पड़ता है। तो ये उस कंडीशन में हो जाता है जब आप अच्छी क्वालिटीज़ के प्रोटेक्शंस यूज़ नहीं करें, तो अच्छी क्वालिटीज़ की प्रोटेक्शंस यहाँ पे यूज़ कीजिए, जिसकी वजह से आपको वेजाइनल इन्फेक्शन ना हो। सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी आपको अपने वेजाइनल पार्ट की सफाई करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं उन सिम्टम्स की, उन लक्षणों की, आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स वेजाइनल इन्फेक्शन के दिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बैड स्मेल आपके वजाइना से आनी शुरू हो जाती है, एक ग्रे कलर का या लाइट ब्राउन कलर का डिस्चार्ज कभी कभी आपके वजाइना से होने लग जाता है और रेगुलर आपका वजाइना यहाँ पे गीला रहना शुरू हो जाता है। एंड ईचिंग, जो सबसे ज़्यादा मेन यहाँ पे सिम्टम्स है वो है ईचिंग, खुजली आपको बहुत ज़्यादा होने लग जाती है आपके वल्वा पार्ट पे और वेजाइना में। इतनी ज़्यादा ईचिंग होती है कि आप रहा नहीं जाता है और मजबूरन आप यहाँ पे खुजली करने लग जाते हो, और स्पेशली जो बर्निंग सेंसेशन है वो नॉर्मली तो रहती है, लेकिन जब आप ईचिंग कर लेते हो बहुत ज़्यादा तो उसके बाद बर्निंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। आपको पहने हुए कपड़े भी अगर साथ में लग जाएँ तो भी आपको बर्न सेंसेशन यहाँ पे फील होने लग जाती है, स्वेलिंग और रेडनेस भी देखने को मिलती है, यूरिन पास करते हैं तब भी आपको बर्निंग सेंसेशन यहाँ पे फील होती है। तो गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ होम रेमेडीज, कुछ टिप्स बताऊंगी जो आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स आपको वेजाइनल इन्फेक्शन का खतरा बहुत कम कर देगी और वेजाइनल इन्फेक्शन को बिल्कुल ठीक करने में आपकी हेल्प करेगा। तो आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज मुझे एक कमेंट करके जरूर बता देना। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे। मेरा मेन मोटिव आपकी अच्छी हेल्थ। थैंक यू वेरी मच।